बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरतसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल साइकिल। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली चैप्टर का नाम भी ये है सेल साइकिल, और चैप्टर नंबर 21 है सेकेंड ईयर की बुक में। डियर स्टूडेंट्स, सेल साइकिल की हम डेफिनेशन कुछ यू करेंगे कि सेल अंडरगोज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सेल जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस कौन कौन सी होती हैं? आपके पास पहली चेंज जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है पीरियड ऑफ ग्रोथ। पीरियड ऑफ ग्रोथ कि सेल जो है वो पहले क्या करता है, ग्रोथ करता है, अपने साइज में इजाफा करता है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। जो डीएनए होता है उसकी रेप्लीकेशन हो जाती है, डीएनए जो है वो आपके पास डबल हो जाता है। अगर एक क्रोमोसोम है तो वो डबल हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पे है आपके पास माइटोटिक फेज, और वी कैन से माइटोसिस, और वी कैन से सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इसको हम जो है डियर स्टूडेंट्स माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, या फिर आप इसको माइटोसिस भी बोलते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर वाली दो हैं, ये वाली जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कहलाती हैं इंटरफेज। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक जो सेल साइकिल है उसकी बेसिकली कितनी फेजेस हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए दो। कौन सी? एक है इंटरफेज, और दूसरी आपके पास क्या है, दैट इज द माइटोटिक फेज, जिसमें सेल डिवीजन होती है, दैट इज द माइटोटिक फेज। अब एक ह्यूमन सेल जो है वो कितने टाइम में डिवाइड होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो एक सेल डिवाइड होने के लिए डियर स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स जो है वो लेता है। और उसमें उन 24 आवर्स में 23.5 जो होते हैं वो आपके पास किसके लिए होते हैं, इंटरफेस के लिए होते हैं, और अबाउट 30 मिनट्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, माइटोटिक फेज के लिए या माइटोसिस के लिए। कि एक सेल जो है वो सिर्फ 30 मिनट लेता है डिवाइड होने में, बट उसको प्रिपेयर होने के लिए आप समझें कि कितना टाइम लगेगा, 23.5 आवर्स लगेंगे 24 घंटों के अंदर से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास इंटरफेज है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि मिसलीडिंगली इस इंटरफेस को क्या बोला जाता है, इस इंटरफेस को बोला जाता है रेस्टिंग फेज। बट ये रेस्टिंग फेज नहीं है, ये आपके पास क्या है, हाईली इंटेंसिव, आप कह सकते हैं हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज होती है, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज। सो इसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है बेसिकली वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और ये एक्टिव होती है। हम मिस्टेकनली इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द रेस्टिंग फेज। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, और वो चेंजेस डियर स्टूडेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, और उसकी बेसिकली स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो वो देखें कि एक इंटरफेज, और वी कैन से जिसको आप मिस्टेकनली रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, उसमें तीन फेजेस हैं। कौन कौन सी फेजेस हैं, दैट इज द G1 फेज, एस फेज, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स G2 फेज। ये तीनों फेजेस जो हैं वो आपके पास किसके अंदर होती हैं, इंटरफेज के अंदर। इसके लिए आप जो है वो की याद रख सकते हैं, दैट इज द गवर्नमेंट स्कूल गोजरा। इस तरह से आपको ये याद रहेगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, G1 फेज एंड एज वेल एज एस फेज, एंड देन आपके पास जो है वो G2 फेज है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें आपके पास एक जो है वो सेल साइकिल मैंने बनाया है। इसमें देखें कि एक सेल, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कौन सा, दैट इज द डॉटर सेल। एक डॉटर सेल डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनते हैं वो आपके पास डॉटर सेल होते हैं। एक ये है आपके पास और एक ये है। अब ये डॉटर सेल क्या हो रहा है, साइकिल के अंदर इन हो जाता है, इससे फिर ये बनी स्टेज, इससे फिर ये, फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स माइटोसिस हुई, फिर इसी तरह से दो सेल बने। तो यहां से लेकर दोबारा यहां तक का सफर आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज द सेल साइकिल। और इसमें जो है बेसिकली ये जो आपके पास जहां पर मैंने एम लिखा है, ये आपके पास कौन सा है, माइटोटिक फेज है, और सेल डिवीजन फेज है। बाकी सारे का सारा जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज द इंटरफेज। अब हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स यहां से कि एक न्यूली सिंथेसाइज डॉटर सेल बना है, और उसमें डीएनए या क्रोमोसोम्स, अगर आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो कितने हैं, फॉर एग्जांपल 46 हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 46 क्रोमोसोम्स यहां पर पड़े हुए हैं। अब सेल ने क्या करना है, सेल ने डिवाइड होना है। जब सेल डिवाइड होगा तो वो क्या करता है, सबसे पहला जो काम होगा डियर स्टूडेंट्स, वो अपने साइज में इजाफा करेगा।
साइज में इजाफा करेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसने ऐसे मटेरियल बनाने हैं जिसने आगे फर्दर सेल डिवीजन के अंदर जो है वो हेल्प करनी है। जो सेल अब किधर जा रहा है, सेल डिवीजन की तरफ जा रहा है, सेल साइकिल आपने पढ़ा है कि अंडरगो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, सेल अपनी एक शेप से दूसरी शेप में जा रहा है, अपनी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा है। सो आपके पास ये जो डॉटर सेल है ये पहली फेज के अंदर जाएगा जिसको आप क्या बोलते हैं, G1 फेज। G1 फेज में ये देखिए सेल ने क्या किया है, अपने साइज में इजाफा किया है, सेल ग्रो इन इट्स साइज, सेल जो है वो बड़ा हो गया है और इसने खास किस्म की प्रोटीन्स भी बनवा ली हैं जिन्होंने क्या करना है, DNA को डबल करना है। तो S फेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, DNA डबल हो रहा है। अगर ये आपके पास पहले सिंगल था तो अब इसकी कॉपीज बन रही हैं, हर क्रोमोसोम्स की कॉपी क्रोमेटिड्स की फॉर्म में जो है वो सामने आती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जब DNA डबल हो जाएगा, अब सेल ने क्या करना है, सेल ने डिवाइड करना है, क्योंकि आधा DNA एक सेल के पास जाना है, आधा एक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर भी 46 ही हैं, लेकिन इस जगह पर क्या हुआ है कि हर एक के दो दो क्रोमेटिड्स बने हैं, तो 46-46 की रेशो आ जाएगी आपके पास, रहेंगे क्रोमोसोम्स 46 ही लेकिन वो डबल फॉर्म में हो जाएंगे। सो अब क्या होगा कि वो दोनों डिवाइड होंगे और ये किस फेज के अंदर होता है, आपके पास माइटोटिक फेज के अंदर, जिसके बारे में आपने पढ़ना है बाद में। सो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, DNA जो है वो कंडेंस कर जाता है और पहले यहाँ पर जो है वो क्रोमेटिन मटीरियल में पड़ा हुआ, यहाँ पर क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन होती है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपियर कर जाता है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखा और यहाँ पर भी देखे कि न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और दोबारा से फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है, दोबारा से जो है वो क्रोमेटिन मटीरियल बनना स्टार्ट हो जाता है फर्दर, एंड आपके पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी सामने आना जाहिर होना शुरू हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें अब हमने बारी बारी पढ़ना है कि हर एक फेज में होता क्या है। सो आपके पास पहली है, दैट इज द G1 फेज। G1 फेज को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि ये देखिए माइटोसिस के बाद हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज ये एक MCQ है जो आपसे पूछा जा सकता है। पोस्ट माइटोटिक फेज में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, देखें यहां से ये आगे जा रहा है, ये आपके पास ये माइटोसिस के फौरन बाद ये डॉटर सेल है, एक डॉटर सेल इधर चला गया और एक इधर जा रहा है, सेल साइकिल में एक हिस्सा ले रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखें ये G1 फेज के अंदर है, G1 फेज में क्या हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अरूज पर है, बहुत ज्यादा है, सेल का जो साइज है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसने ग्रो किया है, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ऐसे एंजाइम बनवाए हैं जिन्होंने क्या करना है, रेप्लीकेशन में हेल्प करनी है, DNA की रेप्लीकेशन में हेल्प करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमने रेप्लीकेशन में पढ़ रखे हैं DNA गायरेज है, लाइगेज है, प्राइमेज है, पोलीमरेज है डियर स्टूडेंट्स, पोलीमरेज 1, 2 and 3 वो यहाँ पर बनेंगे इस सिचुएशन के अंदर, जिससे आगे क्या होगा कि फर्दर जो है वो आपके पास क्या होनी है, रेप्लीकेशन होनी है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स रेप्लीकेशन के लिए जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो होती है DNTPs, डीऑक्सी जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होते हैं वो भी यहाँ पर अकामोलेट होना शुरू हो जाएंगे, बेस यूनिट लाइक आपके पास DNTPs, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। अब यहाँ पर देखें इसके लिए आपके जो पास की है याद रखने के लिए, बच्चों को भूल जाता है उसके लिए आप रखेंगे PM प्राइम मिनिस्टर सैब SEB। सो P फॉर पोस्ट माइटोटिक फेज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, S फॉर साइज है, E फॉर एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड B फॉर बेस यूनिट्स है, इससे आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो उन 23.5 आवर में से 9 घंटे लगते हैं किसके अंदर, G1 फेज में सेल को। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर एक चेक पॉइंट है यहाँ पर कि सेल जो है वो किधर जा रहा है, G1 फेज, यहां पर डियर स्टूडेंट्स G1 से उसने किस फेज में जाना है, S फेज के अंदर जाना है। तो यहां पर चेक पॉइंट है, बेसिकली यहां पर चेक किया जाता है सेल को कि क्या आपने DNTPs जितने रिक्वायर्ड हैं उतने बना लिए हैं, क्या आपने सारे एंजाइम वो बना लिए, अगर कोई एक चीज भी नहीं है तो सेल थोड़े टाइम के लिए यहां पर क्या करता है, रुक जाता है और उस चीज को बनाता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स कहां पर, S फेज के अंदर, सेल ने अब अगली फेज में जाना है S फेज। S फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें सिंथेसिस किसकी होगी, DNA डुप्लीकेशन होगी और कुछ भी नहीं होगा, DNA डुप्लीकेशन। और ये क्रोमोसोम्स डबल करने के लिए आपको टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, अबाउट 10 आवर्स, 10 घंटे लगते हैं डियर स्टूडेंट्स रेप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद हम आते हैं G2 फेज। G2 फेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पोस्ट, सॉरी इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज
क्यों? क्योंकि माइटोसिस से पहले, सेल को डिवाइड होने से पहले जो फेज है वो आपके पास कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? G2 फेज। और इसको कंप्लीट करने के लिए सेल को कितना टाइम लगता है? अबाउट 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे लगते हैं। इसको याद करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या है आपके पास? PM, प्राइम मिनिस्टर, पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर। अब इसको याद करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको क्या है कि पी फॉर प्री माइटोटिक फेज है, उसके बाद माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स। अब माइटोसिस होनी है, सेल ने दो में डिवाइड होना है, सेल डिवीजन होनी है, तो उसके लिए जो जो प्रोटीन्स हैं रिक्वायर्ड डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। लाइक सेंट्रोसोम्स जो हैं वो आपके पास वो बनाए जाते हैं, सेंट्रोसोम्स से स्पिंडल फाइबर्स बनाए जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स या आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स माइक्रोटिब्यूल्स बनाई जाती हैं, जिससे क्या बनेंगे आपके पास? सेंट्रियोल्स बनेंगे। सो उसके बाद प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए सेल को तैयार किया जाता है, एनर्जी स्टोर की जाती है। बड़ी बात यह है, क्योंकि देखें क्रोमोसोम्स को आपने क्या करना है, इस तरह से सेपरेट करना है। जो क्रोमोसोम पहले ये था, जब इसकी डुप्लीकेशन हुई तो अब ये, अब इसको आपने सेपरेट करना है या सेल ने सेपरेट करना है, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ पर? देखें जो आपके पास माइक्रोटिब्यूल्स बनेंगे या स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, उनसे जो निकलेंगे स्पिंडल फाइबर वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे और फिर वो अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको स्टोर कर लिया जाता है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास माइक्रोटिब्यूल्स बना ली जाती हैं एंड RNA बनाया जाता है। अब ये सारा काम क्यों करना है? क्योंकि हमने सेल को माइटोसिस फेज में भेजना है, सेल ने एक से दो में डिवाइड होना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास आती है G0 फेज, जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज और रेस्टिंग फेज का नाम भी देते हैं। इसमें अगर एक सेल आ जाए तो वो महीनों, दिनों, घंटों से लेकर पूरी इंडिविजुअल की लाइफ तक जो है वो रह सकते हैं। इसमें मेनली जो आपके पास सेल आते हैं वो आपके पास हैं लिवर के सेल, जो क्या करते हैं एक दफ़ा इस फेज़ में आ गए तो वापस भी जा सकते हैं। लेकिन जो आपके पास आई, लेंस एंड ब्रेन के सेल जो होते हैं वो फुली डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वो G0 फेज़ में जब एंटर होते हैं उसके बाद फिर वो वापस सेल साइकिल में नहीं जाते। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था ओवरऑल आपके पास लेक्चर अबाउट द सेल साइकिल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा माइटोसिस पे। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।